भाइयों बहनों अलसी के बहुत से औषधि गुण हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार त्वचा के लिए फायदेमंद होता है रक्त को पतला बनाकर रखता है जिससे हृदय रोग कम करने में मददगार होता है लेकिन 90 प्रतिशत लोग इसे कब कैसे खाना चाहिए नहीं जानते हैं इसका नियमित सेवन कर करके व्यक्ति कई जानलेवा बीमारियों से बच सकते हैं जो लोग मोटापे से परेशान हैं उनके लिए अलसी बेहद लाभकारी है क्योंकि वजन घटाने में अलसी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है अलसी सेहत का खजाना है रात में सोने से पहले अलसी का सेवन करने से नींद अच्छी आती है शरीर के अंदर जो पाचन क्रिया होती है उसमें तरल चीजों को जल्दी शरीर ग्रहण कर लेता है इसलिए एक चम्मच अलसी को एक गिलास पानी में सायंकाल भिगो देना चाहिए अच्छी तरह फूल जाने के बाद उस पानी को हल्का उबाल देते हैं जैसे गाज का जा आ जाए अलसी के सभी तत्व पानी में आ जाते हैं फिर इस पानी को छान कर पी जाना चाहिए इससे तुरंत लाभ मिलेगा अलसी बात पित्त दोष और थारॉयड जैसे समस्याओं में छुटकारा दिलाता है ज्यादा अलसी खाने से फायदे की जगह नुकसान होने लगता है अलसी को डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए गुणों का खजाना होने से अलसी की मांग तो बढ़ी है लेकिन इसके साइड इफेक्ट को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा जा रहा है नतीजन ज्यादा सेवन से फायदा की जगह नुकसान पहुंच रहा है अलसी ज्यादा मात्रा में खाने से लूज मोशन तथा बार बार वाशरूम जाना पड़ सकता है डायरिया की आशंका भी रहती है गर्भवती महिलाओं को अलसी खाने से परहेज करना चाहिए ऐसे में बच्चे और उसकी माँ को नुकसान पहुँच सकता है जो व्यक्ति खून को पतला करने की दवा खाते हैं उन उनको अलसी नहीं खाना चाहिए अलसी ब्लड शुगर को कम करता है इसलिए लो ब्लड प्रेशर के लोगों को अलसी नहीं लेना चाहिए अलसी में एंटी गुणों का भरपूर भरपूर होता है फिर भी डॉक्टर की सलाह जरूरी है अलसी के पाँच दाने खाकर एक दिन चेक करना चाहिए यदि कोई साइड इफेक्ट न दिखाई दे तभी प्रयोग करना चाहिए डायबिटीज के मरीजों को भी डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए क्योंकि ब्लड शुगर कम करता है अलसी अलसी पूरी तरह से एक दिव्य औषधि है गुणों का खजाना होते हुए भी चिकित्सक की सलाह पर ही लेना स्वीकार करना चाहिए कैंसर जैसी बीमारियों को भी कंट्रोल करता है अलसी अलसी के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन ज्यादा आप जानते हैं कि किसी भी चीज का ज्यादा सेवन नुकसान प्रद होता है तो अति सर्वत्र बर्जयत की, की भाषा हम लोगों को सिखाई जाती है इसलिए ज्यादा अलसी का प्रयोग करना नहीं चाहिए करने से पहले निश्चित तौर पर चिकित्सक की सलाह जरूर लेना चाहिए अलसी बहुत से गुणों का खजाना है हम कम समय में जितना हमसे बन सकता है वो हम दे रहे हैं और आंतों के में जो रुकावट है उसको भी ये ठीक करता है धन्यवाद